तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन ब्रीडर्स को 10-10 साल हो गए ब्रीडिंग लाइन में, उनको भी कई बार इस बीमारी के बारे में पता नहीं होता। इसको बीमारी नहीं एग्जैक्टली बता सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है फीमेल के अंदर। अब ये जो भाई साहब मेरे पास आए थे इस फीमेल को लेके, इनको ये कन्फ्यूज़न हो रहा था कि उनकी फीमेल में TVT हो रखा है, जो ट्यूमर कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेनल ट्यूमर, उसके कन्फ्यूज़न में आए थे। बट में एक्चुअल में प्रॉब्लम है ये वजाइनल हाइपरप्लेसिया की। तो वजाइनल हाइपरप्लेसिया बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि जैसे फीमेल हीट में आती है तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी से, जिसकी वजह से उसकी वजाइना पे स्वेलिंग आती है और उस और हीट के टाइप के सिम्टम आते हैं, तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं। तो किसी किसी फीमेल के अंदर क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा निकलने लग जाता है। उसके भी आगे बहुत सारे रीज़न हैं, कई बार ओवरी ट्यूमर होता है या और भी कई टाइप के ट्यूमर होते हैं, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा निकलता है, जिससे वजाइना के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और जो उसका यूट्रस का माउथ है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो ये इस टाइप का गोला सा दिखाई देता है वजाइना के, एक मिनट जूम करके दिखाना बेटा, ये वजाइना के आसपास ये बहुत ज़्यादा गोला सा दिखाई देता है। इसको आप पकड़ के देखोगे तो ये इतना इतना लंप दिखाई देगा। तो ये बेसिकली क्या है कि जो यूट्रस का माउथ निकल के बाहर आया हुआ है ड्यू टू एक्सेस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, एक्चुअली जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, जब फीमेल हीट से आके निकल जाती है जब, तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे ये वजाइना का स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम हीट में आएगी फीमेल, इसको दोबारा ये प्रॉब्लम होती है और पिछली बार से ज़्यादा होती है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन ये होता है कि इसमें ओवेरियो हिस्टोटॉमी करवानी पड़ती है, फीमेल की यूट्रस रिमूव करानी पड़ती है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे को पता कैसे लगे ट्रांसमेम्ब्रेनल ट्यूमर और वजाइनल हाइपरप्लेसिया में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जो सा TVT होता है उसमें ट्यूमर्स दिखाई देता है फीमेल की वजाइना के अंदर, और सारा मतलब जैसे गुलाब का फूल होता है उस तरह से फटे फटे उसके अंदर वो दिखाई देते हैं, लोथड़े से दिखाई देते हैं अंदर जो से ट्यूमर के। और जैसे ही फीमेल को टच करोगे जो से TVT वाले फीमेल के हो, तो वो ट्यूमर टूट टूट के बाहर निकलने लग जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, इसमें जो फीमेल की स्किन है, एक मिनट आके जूम करके दिखा दूं, इसमें जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर रहेगी। और जो TVT वाला केस होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर ट्यूमर टूट टूट के बाहर निकलने लग जाते हैं। हाइपरप्लेसिया का दूसरा केस दिखाना, इसको जूम करके दिखाओ। ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हाइपरप्लेसिया वाला मास है, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, जो ट्यूमर होता है उससे ये डिफरेंट होता है। ये जब इसकी हीट खत्म होगी तो ये ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से है ये। इसमें अब हमने फीमेल में AI करी है और ये 100% कंसीव करेगी फीमेल। दोस्तों ये ट्यूमर है फीमेल के अंदर, इसमें हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ट्यूमर निकल निकल के बाहर आने लग जाता है। ये देखो ये सारा मांस गंदा है, ये देखो ये सारा इसका ये ट्यूमर फट के आ रहा है बाहर। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वजाइनल हाइपरप्लेसिया अंदर से। देखो इसका पूरा जूम करके दिखाओ, पूंछ ऊपर करना सर इसकी, ये देखो ये ट्यूमर है, ये पूरा फीमेल का ट्यूमर दिखाई दे रहा है। बेटा जूम करके दिखाओ इसको, और पास लेके जाओ। हाँ ये देखो ये सारा ट्यूमर है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ये टूट के बाहर आने लग जाता है। ये देखो ये सारा ट्यूमर है फीमेल का, इसमें हम एंटी कैंसर इंजेक्शन लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें पूरा प्रोटोकॉल होता है एंटी कैंसर इंजेक्शन का। कुछ ब्रीडर्स क्या है कि घर पे इंजेक्शन लगा देते हैं तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, तो उससे लीवर डैमेज हो जाता है। डॉक्टर इन नट शेल हम ये कह सकते हैं कि ये हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम है, और जब फीमेल के हार्मोन सप्रेस होते हैं अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आपने उसको ब्रीडिंग पर्पज से नहीं रख रखा फीमेल को, आपने एज ए पेट रखा हुआ है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि उसकी ओवेरियो हिस्टोटॉमी करवा दो, जिससे वो उसमें हार्मोन आए ना और दोबारा इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। जो नए हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर